हाउस लीज के मुद्दे पर चल रही चर्चाओं के बीच प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सोमवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन पुरानी शर्तों का हो रहा है, जिसमें बीएसपी प्रबंधन और लीज धारकों के मध्य किया गया एग्रीमेंट अब रजिस्टर हो गया है और जिसे मानने के लिए दोनों पक्ष बाध्य हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झूठ बोलना, भ्रम फैलाना इनका मिजाज है, लेकिन लीज धारक अपने विवेक से शर्तों का अध्ययन कर लें। नमस्कार, आज आप सबको हरेली त्योहार की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आजकल भिलाई में पिछले दिनों लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ, उस पर बहुत सारे लोगों के द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इस पर किसी ने कहा है कि झूठी तारीफ, जनता का मजाक, कुछ ऐसा है आजकल कांग्रेसियों का मिजाज। कांग्रेस हमेशा झूठ और भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आई है। इस लीज एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन का ऊपर भी पिछले दिनों जितने बयान आए हैं, उन सब बयानों को अगर देखा जाए, हमारे विधायक जी बोल रहे हैं कि उनको न्याय मिला है, उनका अधिकार मिला है, ये भाजपा के बस की बात नहीं है। नियत और नीति साफ हो तब जाकर के जनता का काम होता है, और ये काम भूपेश भैया की सरकार ने कर दिखाया। ये वही भूपेश भैया है जो इन 4500 लोगों को लीज ना मिले इसके लिए जब ये राजस्व मंत्री थे तो पूरा प्रयास कर रहे थे। भिलाई को मुस्कान मिल गया, 4500 परिवार को क्या क्या सब बोल रहे हैं। लंबे संघर्ष और आप सबके आशीर्वाद से अपने घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा कर रहा हूँ। आज बीएसपी हाउस लिस्ट की रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मालूम नहीं इनके घोषणा पत्र में था या नहीं था, शायद जो घोषणा पत्र में था फेज 6 हाउस लिस्ट लाने का था, वो तो अभी तक आया नहीं। ऐसे ही और बहुत सारे लोग जो है बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की कृपा से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सारा हुआ है। अब हम लोगों ने जितना समझाया जाना है, और आप सब भी, कि आज से लगभग 20-22 साल पहले बीएसपी अपने बीएसपी एम्प्लॉइज को लीज पर उनके मकान दी थी, और उसका एक लीज एग्रीमेंट हुआ था। उस लीज एग्रीमेंट को जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया गया है, रजिस्ट्री शुल्क दे करके कराया गया है। पहले एक स्टाम्प पेपर पे था, अब रजिस्टर होने के बाद कुछ लोग बोलने लगे कि अब हम लीजी नहीं है, अब हम इसका मालिकाना हक हमको मिल गया। बहुत क्लियर है कि आज भी जो रजिस्टर हुआ है वो रजिस्टर आपके और बीएसपी के बीच जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के पेपर का हुआ है, उन शर्तों के साथ हुआ है जो शर्तें पहले से ही लिखी हुई हैं, उन शर्तों के साथ हुआ है। और उसमें बहुत क्लियर है कि मालिकाना हक बीएसपी का रहेगा और इंजॉय द प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो आपके पास है। तो पिछले 22 साल से तो आप इंजॉय कर ही रहे प्रॉपर्टी का, आपको कोई निकाल नहीं रहा है। विधायक जी बोल रहे हैं कि आप कोई नहीं निकाल पाएगा टाउनशिप से। अरे उन शर्तों को पढ़ लो, अगर उन शर्तों का आप उल्लंघन करेंगे तो पूरा अधिकार जो है बीएसपी के पास है कि आपके कभी भी लीज को कैंसिल कर देगा। और इसलिए निकालने नहीं निकालने का, तो पहले भी नहीं निकाल रहा था,
तो इसलिए ये भ्रम नहीं रहना चाहिए, स्वामित्व या मालिकाना हक जो है वो पूरा पूरा बीएसपी के पास है और आपके पास उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का हक है। अब इसमें जो रजिस्टर्ड हुआ है वो शर्तें भी रजिस्टर्ड हुई है। अब शर्तों में क्या लिखा है आप ये देख लें, उसमें इंग्लिश में मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ कि पट्टेदार मकानों का यथोचित रख रखाव करते हुए पेयजल लाइन तथा रसोई बाथरूम टॉयलेट के निकासी लाइनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य भी करेंगे, जिससे ब्लॉक के अन्य मकानों के बहाव और रिसाव को रोका जा सके। ऐसा नहीं करना पट्टे की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन होगा। इसके कारण पट्टा दाता अनुच्छेद 16(2) के अनुसार पट्टे को निरस्त करने, नुकसान में आने वाले खर्च की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकेगा। मतलब जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसा देकर के दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किया, बीएसपी की तरफ से जो उनका नॉमिनी उसने किया और आपने हस्ताक्षर किया, तो ये सारे के सारे शर्तें जो है अपने आप में रजिस्टर्ड हो गई। अब उसमें जो रजिस्टर्ड हुई हैं शर्तें, और अंत में क्या लिखता है, अंत में ये 11 नंबर की जो शर्त है लास्ट में लिख दे रहा है, इसी से क्लियर हो जाना है कि द लीजी सेल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेंट एक्ट 1971 एंड आर एनी अदर रिलेवेंट एक्ट ऑफ पब्लिक स्टेटस एप्लीकेबल इन दिस रिगार्ड। मतलब इस पर जो लोक परिसर अधिनियम 1971 के तहत जो भी एविक्शन का या अनऑथराइज ऑक्यूपेंट का जो है वो कानून लागू होगा। और उसके बाद लिख रहा है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग एट एनी टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी जो टर्म कंडीशंस के हैं जो कुछ भी अगर उसके इंटरप्रिटेशन पे विवाद उत्पन्न होता है तो एंड कंडीशन हियर इन मेंशन बिफोर, जैसा कि पहले मेंशन किया गया है जो भी 15, 16, 17 पॉइंट जो भी इनके एग्रीमेंट में हैं वो जो मेंशन किया गया है, द डिसीजन ऑफ द लेजर सेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द लीजी।